वेलकम स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि एंड और ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम देखेंगे कि एंड और ग्राफ के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती है एल्गोरिथम के समय, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग वैरायटीज के एंड और ग्राफ के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसको शायद आप ध्यान में रखेंगे तो शायद एल्गोरिथम को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाऊंगा, जिसमें मैं एक नोड लूंगा ए और उसके पास दो उसके चाइल्ड लूंगा बी एंड सी, और ये जो बी और सी है ये और लिंक से जुड़ा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर बी और सी में से कोई सा भी एक अगर हो जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो नहीं हो पाया तो मैंने उसको लिया फ्यूटाइल और सी हो गया, सी जो है वो हो गया, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहां पे एक का सॉल्व होना काफी था। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर मान लीजिए यही सेम एग्जाम्पल है और यहां पे बी जो है वो फ्यूटाइल हो गया और सी भी फ्यूटाइल हो गया, मतलब आप दोनों ही ऑप्शन नहीं कर पाए, तब जाके आप रूट नोट पे क्या लिखेंगे? फ्यूटाइल। अगेन ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो और के थे। तो और लिंक में खासियत ये होती है कि कोई एक भी अगर सॉल्व हो जाता तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर कोई दोनों ही के दोनों ही फ्यूटाइल अगर हुए तो जाके रूट नोट जो होगा वो फ्यूटाइल होगा। अब ये जो कंडीशन है ये एंड लिंक के अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर मेरे पास इसी केस को अगर ध्यान में रखूं और यहां पे मेरे पास बी और सी के लिए अगर एंड लिंक होती, अगर यहां पे मेरे पास एंड लिंक होती और मुझे यहां पे ये फ्यूटाइल मिलता, इतना फ्यूटाइल हो जाता ना तो मैं आगे वाला चेक ही नहीं करता, बिकॉज मुझे मालूम है कि एंड लिंक में सॉल्व इसको भी होना है, इसको भी होना है, तब जाके सॉल्व होगा। कोई एक भी गलती से अगर फ्यूटाइल हो गया तो मैं जाहिर से यहां बात है यहां पे फ्यूटाइल लिख दूंगा, नो मैटर व्हाट, ये सी जो है वो सॉल्व होता भी है कि नहीं, क्योंकि सॉल्व होने के लिए दोनों का सॉल्व होना बेहद जरूरी है। मतलब आपको अगर एडमिशन चाहिए यूएस की यूनिवर्सिटी में, जो लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, उसके लिए जीआरई स्कोर और बीटेक का डिग्री दोनों होना जरूरी है। अच्छा, अगर दोनों में से कोई एक भी चीज गड़बड़ हुई तो वो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। यहाँ पे भी वही है कि एक फ्यूटाइल हुआ, मैंने ऑटोमेटिकली रूट नोट पे क्या लिख दिया? फ्यूटाइल। और भले ही ये सॉल्व था भी, मैं अगर मान के चलूं कि ये सॉल्व था तो भी क्या हुआ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड लिंक में आपको सक्सेस जब भी मिलती है, आपको जब भी मिलती है जब आपकी दोनों नोड्स चाहे वो बी हो या सी हो दोनों सॉल्व होंगी, तब जाके आप रूट नोट पे क्या लिखेंगे? सॉल्व। ये कंडीशन जब बनेगी तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ ए जो है आपका अचीवेबल है या अचीव हो गया है, अदरवाइज आप इस तरह से अगर एंड लिंक के अंदर अगर आप हैं तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज फ्यूटाइल तो है ही ऑप्शन। मैंने जैसे बताया कि एक बार में फ्यूटाइल आया और उसने एक बार में फ्यूटाइल लिख दिया। आप देख रहे हैं मैं चारों एग्जाम्पल में कर क्या रहा हूं, मैं चारों एग्जाम्पल में असल में ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, बैकवर्ड, इसको अपवर्ड प्रोपोगेशन कहते हैं, कि जो भी आंसर आया उसको ऊपर की तरफ डाल रहा हूं मैं, मतलब मैं नीचे से चालू कर रहा हूं, नीचे आंसर निकाल रहा हूं और नीचे वाले आंसर को ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब उसको अपवर्ड प्रोपोगेट कर रहा हूं मैं ऊपर की तरफ। नीचे भले फ्यूटाइल आए, सॉल्व आए, जो भी कुछ आए, जिस तरह का भी लिंक हो, मुझे कुल मिला के ए को लिखना है। अब ये तो मैंने आपको एक छोटा सा पोर्शन बता दिया, आप एज्यूम करिए कि कोई बहुत बड़ी ट्री है, कोई बहुत बड़ी आपकी ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में लीफ नोड से आप शुरू करेंगे और अलग अलग तरह के एंड और लिंक्स हैं, तो क्या आप रूट नोड तक सॉल्व या फ्यूटाइल लिख सकते हैं या नहीं? आपको अगर सारे लिंक्स पता हो कि कौन कौन से लिंक हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये उस एग्जाम्पल में फाइनली मैं इसका कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि मुझे ए अचीव करना है और मेरे पास ऑप्शन था बी सी और डी, और मैंने यहां पे तो लिख दिया एंड, लेकिन यहां पे लिख दिया और। अब आप बताइए कि ए कैसे अचीव होगा? ए ऐसे अचीव होगा कि या तो आप बी और सी को दोनों को अचीव कर लो तो ए हो जाएगा, और मान लो इन दोनों में से कोई एक भी फ्यूटाइल निकल गया तो आप डी को अचीव कर लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो मेन चीज है समझने वाली वो ये
कि आपको लिंक पे ध्यान देना है, सिर्फ सॉल्ट या फ्यूटाइल करने की लालच में आपको ध्यान नहीं देना है, इसको अपवर्ड प्रोपोगेशन है। अपवर्ड प्रोपोगेशन मतलब ये कि इन दोनों का होना इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये दोनों होंगे तो ये हो पाएगा। मान लो इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डी को देखिए, अगर डी हो जाता है तो भी हो जाएगा काम। लेकिन हाँ, अब डी भी नहीं हो पाया और बी में और सी में कोई सा एक फेल हो गया तो फिर फ्यूटाइल ही होगा। तो ये एग्जाम्पल जो थे, ये एग्जाम्पल थे कुछ एंड और ग्राफ के, और ये एंड और ग्राफ को समझाने के कुछ तरीके थे, और शायद इन्हीं तरीकों को हम ध्यान में रखते हुए इनको अगर हम नाम दे दें तो शायद आगे जाके ये जो आपके एल्गोरिथम है AO*, उसके अंदर आपको मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।